हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ मुंबई की फेमस चना चाट की वीडियो शेयर कर रही हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप काला चना 6 से 7 घंटे भिगो के रख दिया था। ये अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। इसके लिए मैंने एक कुकर लिया हुआ है, उसमें हम सारे चने डाल देंगे और 2 कप पानी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक और पानी मैंने डाल दिया है। अब इसे हम उबलने के लिए रख देंगे। चने को अच्छी तरह से पकने के लिए मैंने 4 से 5 सीटी लगाई है। चना अच्छी तरह से पक गया है, कुकर ठंडा हो गया है। अब हम इसे खोलेंगे और इसे छान लेंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। देखिए चना कितनी अच्छी तरह से गल गया है। हमें ऐसे ही चना चाहिए चना चाट बनाने के लिए। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच सादा नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। सूखे मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के हम मसाला तैयार कर लेते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1/2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा, हींग और 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। इसमें आप सरसों के ही तेल का इस्तेमाल करें, ये चाट सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा बनता है। तड़का तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो मसाला तैयार किए थे उसको डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए मसाला अच्छी तरह से भून गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें उबला हुआ चना डाल देंगे। अब हम चने में मसाला अच्छी तरह से मिला लेंगे। चना पहले से ही अच्छी तरह से उबला हुआ है, इसलिए इसे हमें पकाना नहीं है, सिर्फ मसाले में अच्छी तरह से मिला लेना है। देखिए चना मसाले में अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और चने को अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। देखिए चना अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसकी चाट तैयार करते हैं। मैं पूरे चने की चाट नहीं तैयार कर रही हूँ, मैं इसमें से 1/2 चना निकाल लेती हूँ और जो चना बचा है उसे हम फ्रिज में रख देंगे। अब हम चने की चाट तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने चने में बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ खीरा, उबला हुआ आलू, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है, हरी मिर्च, ये आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, धनिया की पत्ती और नींबू का रस, इन सबको हम चने में डाल देंगे और चने में इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। चना चाट हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुंबई में इस चाट को लोग बहुत पसंद से खाते हैं। आप भी एक बार इस तरह से चाट बना के ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं कि आपको चना चाट कैसा लगा। आप चाट में सब्जियां अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं और जो सब्जी ना पसंद हो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। मुंबई की चना चाट बिल्कुल तैयार है। मैंने इसमें ठेले वालों की तरह नींबू और मिर्च भी सर्व किया है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।